नथु एक खानाबदोश कबीले से तलक रखता था। उसके माँ बाप दूसरे खानाबदोश कबीले से उसकी दुल्हन ब्याह कर लाए थे। उनका दस्तूर था कि वो दुल्हन के बदले जितना पैसा उसके माँ बाप को अदा करती, दुल्हन को उतना पैसा कमाकर ससुराल वालों को वापस करना होता। नथु की दुल्हन कामनी को ससुराल आए 10-12 दिन हो गए तो सास ने उससे कहा, बस री छोरी, बहुत हो चुका दुल्हनापा, आज से मेरे साथ धंधे पर चला कर। हुक्म की देर थी कि दुल्हन तैयार हो गई और छमाछम करती सास के पीछे पीछे चल पड़ी। इन लोगों का पेशा था कि गली मोहल्लों में नाच गाना गाकर भीख मांगना। ये दोनों जब करीब की आबादी की एक मोहल्ले में पहुंची तो सास ने डफली की थाप पर जोर से हांक लगाई। दफ पर घुंघरों की आवाज सुनकर बच्चे जमा हो गए। औरतें दरवाजों पर आकर झांकने लगी। नई नवेली दुल्हन को लाल रंग के घाघरे और चोली पर शीशों की कढ़ाई वाला चमचम कुर्ता दुपट्टा ओढ़े देखकर एक घर की औरत ने अंदर बुला लिया कि इसका नाच देखेंगी। कामनी की सास ने दफ बजाना शुरू की और दफ की थाप पर कामनी नाचने लगी, मगर सास को उसका नाच पसंद ना आया। उसने गाहकों के सामने तो उसे ना टोका, मगर घर आकर उसके पीछे पड़ गई। अरे ये छोरी, तुझे तो नाचना ही नहीं आता, कौन देखनेगा तेरा ये नाचना। लड़की भी चलाक थी, फौरन बोली, लो माँ जी, मैं तो अच्छा भला नाचू हूँ। वैसे हम लोग नाचे ही खुले मैदानों में हैं, पर लोगों का आंगन टेढ़ा था, वह मुझसे ठीक से पैर ना उठा। दुल्हन की नंद ने जोर से कहकहा लगाया और बोली, लो ये भी अच्छी रही, यानी खुद को नाचना नहीं आता और आंगन को टेढ़ा कह रही है। जब किसी से कोई काम दुरुस्त तरीके से ना हो और वो कोई उजर या बहाना किसी और पर रखे तो झट ही यही फिक्रा जबान पर आ जाता है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा।